चोर डाकू रेजन और नौसरबाज हो जाएं होशियार। अब सब पर होगी नजर सिंध सरकार की, बचने के चांसेस अब होंगे खत्म। जी हाँ, वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 30 अरब रुपए की लागत से शहर एकाइत के लिए सेफ सिटी मंसूबा शुरू करने की मंजूरी दे दी, जिसके तहत शहर में 3 मराहिल में 10,000 CCTV कैमरे लगाए जाएं और आइंदा माली साल 2021-2022 से शुरू होने वाले हर मरहले को 12 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। ये फैसला सेफ सिटी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक इजलास की सदारत करते हुए किया गया। इजलास में वजीर IT नवाब तैमूर तालपुर, चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह, चेयरमैन PND मोहम्मद वसीम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला उस्मान चाचड़, वज़ीर-ए-आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद अबड़ो, सेक्रेटरी खजाना हसन नकवी व दीगर ने शिरकत की। मंसूबे के तहत शहर में 3 मराहिल में 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे और हर मरहले को 12 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में शहर के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों और जिला जनूबी में 9.9 अरब रुपए की लागत से कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरे मरहले में 9.8 अरब रुपए की लागत से 3 अजला में कैमरे लगाए जाएंगे, जिनका इंतखाब बाद में किया जाएगा। तीसरे और इख्तितामी मरहले में 9.7 अरब रुपए की लागत से मजीद 3 अजला में कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध ने महकमे खजाना को हिदायत की है कि आइंदा माली साल में पहले मरहले के लिए 10 अरब रुपए का बंदोबस्त करें। मुराद अली शाह को बताया गया कि इस वक्त शहर में 538 मकामात पर 2,196 कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 1,201 KMC, 198 महकमा IT और 155 सिंध पुलिस के हैं।